أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today Hinan our teacher just got to delivering a lecture of class 4th subject is EVS topic is same living and non-living things exercise of the lesson living and non-living थिंग्स तो पहला जो आज हमें जो क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने कल किए हैं अब आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव रीजंस अ कार इज नॉट अ लिविंग थिंग बिकॉज कार जो है वो लिविंग थिंग नहीं है बिकॉज इट डज नॉट ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वक्त के साथ साथ नहीं ग्रो करती है ठीक है Second part is all plants are living things because they grow and reproduce. वो बढ़ते हैं और plants जो है तमाम पौधे जो है because वो living things है उनमें जान भी है और वो बढ़ते भी है. Third is a toy cannot give birth to a toy because it is non-living thing. Toy दूसरे toy को जन्म नहीं दे सकती है क्योंकि वो non-living thing है बेजान चीज है. And the question number 6 is here. Write the following under the correct column. Crow, kite, car, plant, television, tortoise, sand, bus, chair, fish. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं तो यहाँ पे हमें दो कॉलम्स में इनको डिवाइड करना है तो क्रो है क्रो लिविंग थिंग है बर्ड तो ये लिविंग थिंग है ठीक है उसके बाद काइट है काइट इज नॉन लिविंग थिंग कार कार इज नॉन लिविंग थिंग प्लांट प्लांट इज लिविंग थिंग टेलीविजन टेलीविजन इज नॉन लिविंग थिंग टॉर्टोइस इज लिविंग थिंग सैंड इज नॉन लिविंग थिंग बस इज नॉन लिविंग थिंग चेयर is non-living thing. Fish is living thing. ठीक है तो ये थे आज के क्वेश्चंस ये हमें दिए गए थे यहाँ पे ये पार्ट्स तो ये देख लीजिए आप क्रो काइट कार वगैरह ये बर्ड्स दिए गए थे इसमें जानदार चीज़ें भी थी बेजान भी लिविंग थिंग भी थी नॉन लिविंग थिंग भी इनको हमें दो कॉलम्स में सेपरेट करना था तो ये मैंने दो कॉलम्स में सेपरेट किए हैं तो आज के लिए इतना ही कल आगे पढ़ेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़